हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आपकी डिलीवरी की डेट भी नजदीक आ चुकी है और आपको भी बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार आपका यूरिन लीक हो रहा है या आपको इंटरनली ऐसा लग रहा है कि आपका यूरिन बस छूटने वाला है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। आज हम प्रॉपर डिटेल में यूरिन के ऊपर बात करने वाले हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, स्पेशली 9वें महीने में या डिलीवरी से कुछ दिन पहले बार बार पेशाब क्यों आता है, क्या कोई समस्या का कारण है, ये हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही महिला गर्भ को धारण करती है, वैसे ही उनकी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, 40% इंक्रीज हो जाती है, जिससे किडनीज पर प्रेशर पड़ता है और बार बार आपके पेशाब की थैली भरती है। सीधी सरल भाषा में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या प्रेगनेंसी में होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन लास्ट समय में ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ में प्राइवेट एरिया में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द महिलाओं को होता है, कई कबार जलन भी महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है, आपको बार बार पेशाब करने की सेंसेशन हो रही है, तो आप समझ जाइए आपकी डिलीवरी नजदीक आ चुकी है, बच्चा आपके श्रेणी में यानी कि बेबी ड्रॉपिंग हो चुकी है। जब बच्चा नीचे की ओर खिसकता है, उसके बाद बच्चे को अपना सिर आपके पैल्विक एरिया में फिक्स करने में कुछ समय लगता है, यानी कि डिलीवरी डेट से 10 से 15 दिन पहले तक बच्चा आपके श्रेणी में पैल्विक एरिया में फिक्स हो जाता है, जिसके नीचे आपकी पेशाब की थैली होती है। बच्चे का पूरा भार, 3-3.5 किलो का पूरा भार आपके पेशाब की थैली पर पड़ता है, जिससे पेशाब की लीकेज होना नॉर्मल सी बात है। कभी कभार आपको ऐसा महसूस होता है कि पेशाब बस निकलने वाला है लेकिन निकलता नहीं है, तो ये भी कॉमन सी बात है। लेकिन कई बार जलन महसूस होती है तो ये डेंजर साइन माना जाता है। फ्रेंड, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। मैं ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको यूटीआई या यूरिन इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि जब प्राइवेट एरिया में आपको दाने या ज्यादा आपको बाथरूम आ रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना है और तुरंत डॉक्टर से मिलकर कुछ मेडिसिन लेनी है और उन्हें टाइम टू टाइम खाना है। अगर लास्ट समय में ये तकलीफ आपको हो जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, आपको बार बार यूरिन आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। ये एक ऐसा संकेत है कि बच्चा श्रेणी में आ चुका है, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और जब डिलीवरी आ जाती है, यानी कि लेबर पेन आपको स्टार्ट हो जाता है, तो उस दिन तो आपके पेशाब में कंट्रोल ही नहीं रहता है, ऐसा लगता है बस पेशाब निकलने ही वाला है। तो आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए और अपने खाने पीने में, अपने बच्चे की हेल्थ पर, अपने हेल्थ पर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।